तो फैमिली कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग करने वाले हैं कि हमसे डिवाइन मैस्कुलिन क्या बात करने वाले हैं जब फोन करेंगे, मिलेंगे, और उसका मतलब क्या होने वाला है, ताकि हम सोच समझ के उनके साथ बात कर सके और सही मतलब उनके बोलने का निकाल सके। क्योंकि गाइस ट्रिगरिंग टाइम चल रहा है, आप सबको पता है, वो ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो, और आपने अगर वो ट्रिगर को संभाला नहीं टाइम पर तो वो आपके सेपरेशन का कारण बन सकता है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को उनके क्लियर इंटेंशंस क्या है और वो किस इंटेंशन से आने वाले हैं और वो क्या बोलने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को पहले ही आज की रीडिंग में बता देती हूँ। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं हीलिंग के लिए, गाइस ये क्रिस्टल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्लैक टर्मलिन, अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है आप पे, या जो भी नेगेटिविटी आप पे की गई है वो आपको हील करने के लिए हेल्प कर सकती है। ये ट्विन फ्लेम ब्रिसलेट है जो आपको सेल्फ लव और इस जर्नी में खुद को का इम्पोर्टेंस बनाने में हेल्प कर सकती है, पास्ट को भूलने में हेल्प कर सकती है, आपकी नेगेटिविटी को क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। बहुत काम करता है ये ब्रिसलेट। प्लस गाइज ये जो है मेरे पास ये वेल्थ ब्रिसलेट है। अगर आपको करियर में इश्यूज हो रहे हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आप ये ट्विन फ्लेम ब्रिसलेट के साथ अगर पहनेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप ये ब्रिसलेट लेना चाहते हैं, काफ़ी बजट वाले प्राइसेस में अवेलेबल है गाइज, मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए गाइज हम देखते हैं कि क्या इंटेंशन से आपके पर्सन आप लोगों को अप्रोच करने वाले हैं और क्या मतलब जो क्या ऑफर करेंगे और क्या बोलेंगे आपसे। तो चलिए गाइज बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्चुअल रीडिंग और देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन हमारे पास क्या इंटेंशन से और क्या ऑफर लेके आने वाले हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन मुझे स्पिल्ड मिल्क पे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्मिक के वजह से। गाइज वो काफ़ी दुखी है कार्मिक के वजह से और उनके अटैचमेंट के वजह से। वो न्यू लाइफ चाह रहे हैं लेकिन रो कार्मिक के ही दिए गए दुखों पे हैं। एक मिनट गाइज देखते हैं कि वो क्या इंटेंशन से आपके पास आने वाले और क्या आपको ऑफर देने वाले। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइज उनको चेंज की ज़रूरत है। उनको मतलब ये कार्मिक्स तो उनके पीछे बात कर ही रही है या उनको पता चल गया है कि कार्मिक्स क्या सोचते हैं उनके बारे में, किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और वो कार्मिक्स की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है या कार्मिक्स के दिए गए कोई भी ऑफर्स के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फियर में है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये बैकग्राउंड है इस रीडिंग का। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पास आ सकते हैं शांति के लिए। आपके आपसे उनको खुशी मिलती है, आपसे उनको शांति मिलती है, आपसे उनको पॉजिटिविटी मिलती है। तो इस इंटेंशन से कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इनको भी मिल जाए और इन ये भी कुछ मैनिफेस्ट कर पाए अपनी लाइफ में, इनके हार्डवर्क के बेनिफिट्स को मैनिफेस्ट कर पाए, इसीलिए ये आपके पास आना चाहेंगे। ये स्पाई करेंगे गाइज आपको आने से पहले, काफ़ी स्पाई करेंगे कि इनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बात करने लायक बचे ही नहीं है। इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स आ चुके हैं और वो अकेले रहना चाहते हैं, बट जब वो आपसे बात करें वो मेन चाहते हैं कि आपके बीच लव इस्टेब्लिश हो, लव हो आपके बीच, शांति हो। शांति और लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो थोड़ा बहुत प्यार चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिविटी चाहते हैं आपके लाइफ में, इसलिए कन्फ्यूज्ड है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया तो वो आगे ज़रूर इस कनेक्शन में एक्शन लेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और आपसे बात करेंगे जब वो प्रिपेयर्ड होंगे। और वो क्या बोलेंगे आपको ये जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि क्या बोलेंगे वो। और फिर थोड़ी सी एंजल गाइडेंस देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, थोड़ा बहुत लंबा जाएगा ये रीडिंग, तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जब आपसे मिलने आएंगे, बिकॉज वो थोड़ा प्यार चाहते हैं, वो थोड़ा अच्छा टाइम चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। कार्मिक्स ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, उनको मतलब परेशान हो चुके हैं वो अपनी लाइफ से, कुछ भी अच्छा उनको लग नहीं रहा है। तो देखते हैं वो आपको आपके क्या कह सकते हैं।
ओके, इफ़ आई टोल्ड यू व्हाट आई ट्रूली फील फॉर यू, यू विल रन अवे फ्रॉम मी. तो वो आपको जो है हिचकेंगे आपके बारे में, मतलब जो है ट्रू फीलिंग्स बताने के लिए. वो मुझे नहीं लगता है वो बता पाएंगे. यस, वो आपको बोलेंगे कि मतलब तुम इम्पॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम हो तो बहुत अच्छा लगता है एंड ये कनेक्शन स्पेशल है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैं केयर करता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे फीलिंग्स है बट मुझे बात करने नहीं आता और मुझे इसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है पता, ये मेरा टाइप नहीं है. बात करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप उनको समझो, लिसन टू मी विथ योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट है तो वो उनको चाहेंगे कि आप उन पर ट्रस्ट करो. और कहीं ना कहीं आई नो वी आर अ सोल कनेक्शन, आई कैन फील इट. कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि उनको कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जिसके वजह से उनको लगता है ये कनेक्शन बहुत डीप है, ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है. कुछ मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे गाइज एंड बोलेंगे कि तुम्हारे साथ मुझे बात करने में बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत इजी लगता है कभी कभी. एंड बोलेंगे कि यू नो कभी कभी वो बोल भी सकते हैं जैसे समटाइम्स आई वंडर हाउ कुड आई बी सच एन इडियट टू लेट यू गो. तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि मतलब अपनी थोड़ी बहुत मिस्टेक का वो एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करके बता सकते हैं कि थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक थी, मैंने थोड़ा बहुत जल्दबाजी में आके मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था. तो ये सब वो आपको समझाते हुए नज़र ज़रूर आएंगे. तो चलिए गाइज देखते हैं, हम एंजल से पूछेंगे कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. ठीक है गाइज, जब हमारे डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए. ओके, स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है गाइज, क्रिएटिविटी और लक को नहीं छोड़ना है. ओके गाइज, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप उनके साथ, अगर आप अभी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसी से जो है आपका लक बनेगा और उसी से जो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी. और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो स्पिरिचुअलिटी इसमें हर लेवल पे होनी चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है. ये भी बताया जा रहा है कि कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस योर ड्रीम्स इन अ क्रिएटिव मैनर. ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है कि आप डायरेक्टली बात करो उनसे या कुछ ऐसी बातें बोलो जो उनको थोड़ा सा फिर से आपको सेपरेशन में जाने का प्रॉब्लम आए. थोड़ा बहुत अच्छे सॉफ्टर वे में घुमा के, स्वीट पॉलिश करके, एक क्रिएटिव वे में बताएं कि आप क्या फील कर रहे हो या क्या चाह रहे हो उनके साथ. ये बिल्कुल भी ना करें. एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंजल्स बोल रहे हैं लक अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर. तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ वापस एक कनेक्शन स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है एंड एंजल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ेंगे और क्रिएटिविटी और प्यार से और बहुत अच्छे वे में और बहुत मतलब पॉलिश करके अपनी बातों को बोलेंगे. तो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय.